श्री कृष्ण लीला। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु आपका यह अवतार तो दुष्टों को दंड देने के लिए ही हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही है। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया, ये तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है, यदि ये अपराधी ना होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर तथा दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो ये आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, वे तो रसातल का ही राज्य चाहते हैं, ना तो वे ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमणि आदि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते। स्वामी, ये नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी ये परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसे प्राप्त करने की इच्छा मात्र से संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं, आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं, आप सबके अंतकरण में विराजमान होने पर भी अनंत हैं, आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं, आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं, आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं, आपकी महिमा और शक्ति अनंत है, आपका स्वरूप अप्रकृत दिव्य चिन्मय प्रकृतिक गुणों एवं विकारों का भी आप कभी स्पर्श ही नहीं करते, आप ही ब्रह्म हैं, हम आपको नमस्कार कर रही हैं, हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं, आप शुद्ध सत्व में वसुदेव के पुत्र वासुदेव संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं, इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से काली नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए, वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई, वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट तमोगुणी और बहुत दिनों तक के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं, जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है, इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्व विधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव वीर्य बल योनि बीज चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं, हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं, हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तज्य माया का त्याग कैसे करें। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं,
अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा कीजिए या दंड दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, कालिया नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प अब तू यहाँ नहीं रहना चाहिए, तू अपने जाति भाई पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गुहे और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करें, उसे सांपों से कभी भय ना हो। मैंने इस कालिया दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणी द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया।